हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज के क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो आज का हमने जैसे क्लास का नाम भी रखा है मॉडल टेस्ट पेपर 1। सो बेसिकली आज ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स के क्वेश्चन है या सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन है या सिर्फ प्लांट पैथो के क्वेश्चन। मॉडल टेस्ट पेपर 1 में आपको थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो भी आपके प्लांट साइंसेस के सब्जेक्ट होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बी द फर्स्ट वन टू वॉच, जस्ट लाइक शुभम। शुभम इज वेरी वेल ऑन टाइम। वेरी वेरी गुड इवनिंग शुभम एंड वेलकम टू द सेशन। एंड अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा नो नॉट एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही आपका लिंक गिवन है। बस इस लिंक पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है और जैसे ही आप एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज आपको इसमें मिलती है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। सो गो अहेड एंड डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। वेरी वेरी गुड इवनिंग दामिनी। चलिए, तो आज हम पहला मॉडल पेपर करेंगे। आई डू रिमेम्बर देर वॉज स्टूडेंट, पिछली बार विवेक ने मुझे बोला था कि क्रॉसिंग एंड रिकम्बिनेशन लेकर आइएगा मैम, बट एक्चुअली वी हैव टू सबमिट आर टॉपिक्स बिफोर, है ना। तो मैं टॉपिक सबमिट कर चुकी थी विवेक। इस वीक हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे तीनों क्लासेस में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बट फॉर श्योर नेक्स्ट वीक आई विल कम विद द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। होपफुली यू विल बी वॉचिंग इट लेटर ऑन एंड आप तक ये मैसेज जो है पहुँच जाएगा, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी ये कहानी, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट इज नोन एज। एक जीनोटाइप की एबिलिटी की वो एक नैरो रेंज में जो है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में बेटर जो है परफॉर्म करता है। एडेप्टेबिलिटी कहेंगे, एनोटेशंस कहेंगे, एक्लेटमाइजेशन कहेंगे या एगामोगैमी कहेंगे, राइट। सो द एबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ फिनोटाइप, यानी कि बहुत ज़्यादा फिनोटाइप नहीं बनाता है, बहुत ही कम तरीके की वेरिएशन इसके फिनोटाइप में देखने को मिलती है डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। यानी कि जैसे कि मैं हूँ, अब मेरा फिनोटाइप ऐसा ही रहने वाला है, चाहे मैं US रहूँ, अफ्रीका रहूँ या इंडिया रहूँ, है ना। तो एक नैरो फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो ये आपकी क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी होगी, एनोटेशन होगी, एक्लेटमाइजेशन होगी या ए गैमोगैमी होगी। व्हाट विल बी द आंसर? राजेश सेज ए। सो हियर द आंसर विल बी ए। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी यानी कि वो ज्यादा एडेप्टेड हो जाता है उस सिचुएशन के लिए। उसको किसी भी एनवायरमेंट में छोड़ दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ही इज वेल एडेप्टेड टू एवरी एनवायरमेंट, है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, राइट। बहुत छोटा सा एक लाइन वाला डिफरेंस होता है एडेप्टेबिलिटी एंड एक्लेटमाइजेशन में। देखिए, एडेप्टेबिलिटी होता है जब आप नए एनवायरमेंट में एडजस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप अपने घर पे रहने के आदि हैं और आपको मामा के घर पे भेज दिया जाए तो आप एडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, ये आपकी एडेप्टेशन है। लेकिन एक्लेटमाइजेशन होता है जब एक बच्चे को, जिसको हम घर में रख रहे हैं, उसको स्कूल भेजना शुरू करते हैं। तो सीधा स्कूल नहीं भेजते हैं हम, पहले उसको प्री स्कूल भेजते हैं कि वो थोड़ा सा दूर रहना सीखे मम्मी पापा से, बच्चों के साथ घुलना मिलना सीखे, फिर हम उसको स्कूल में करते हैं, है ना। तो ये क्या, एक्लेटमाइजेशन करना, यानी कि घर से सीधा बाहर ना भेज करके हम उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट देते हैं, दैट इज एक्लेटमाइजेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट,
1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी पॉन्ड्स। तो कुछ इस तरीके के जनरल क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। एज प्लांट साइंसेज में आपका 80% पोर्शन जो है प्लांट साइंसेज से होगा, लेकिन कुछ पोर्शन आपका जनरल एग्रीकल्चर का भी होगा। हालांकि ये जनरल एग्रीकल्चर में भी डायरेक्टली काउंट नहीं होता है, पर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट, 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी पाउंड्स। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड्स होते हैं? 2.48 पाउंड्स, 2.20 पाउंड्स, 1.48 पाउंड्स या फिर 1.12 पाउंड्स। एनी गेसेस? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स? कितने होंगे? देखो ऐसे सेशन में ना मजा नहीं आ रहा है। जितने भी लोग हैं सेशन को पहले शेयर करो, जितने लोग ज्यादा होंगे ना सेशन को डिस्कस करने में उतना ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो इसको शेयर करो अभी के अभी। हाँ, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? सही है क्या? 2.20 पाउंड्स। शुभम वाज गेसिंग ए, 2.48 पाउंड्स। कोई और गेस करना चाहे? सही है आंसर? यस सर, आंसर इज वेरी वेल करेक्ट, है ना। अगर आप केक लेते होंगे तो आपको पाउंड का इजीली अंदाज हो जाएगा। वैसे हम केक को भी यही बोलते हैं इंडिया में, 1 किलो का दे दो, है ना, आधा किलो का दे दो, हम केक्स को भी ऐसे ही बोलते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली जो केक्स होते हैं ये आपके पाउंड्स में मिलते हैं, ये आपके किलोज में मिलते नहीं हैं, ये हम सिर्फ किलोज में बोलते हैं। ठीक है, तो 1 पाउंड में जो है आपके 0.4 समथिंग किलो किलोज होते हैं, है ना। एग्जैक्टली आधा किलो नहीं होता, यानी कि जो आपका आधा किलो का केक होता है उसमें आपको ऑलमोस्ट 1 पाउंड का केक होता है, वो आधा किलो से थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 2.20। चलो, द जीनोम कंटेन्ड इन ब्रेड व्हीट कैन बी कॉल्ड एज। जो हमारे ब्रेड व्हीट में जीनोम मिलता है उसका नाम हमने क्या रखा है? ए सी डी जीनोम रखा है, सी बी डी जीनोम रखा है, ए बी डी जीनोम रखा है, या ए डी सी जीनोम रखा है? वीट में जो जीनोम है उसका नाम हमने क्या रखा है? वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। आई एम सॉरी, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ट्रिटिकम एस्टिवम का जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है? 42। वेरी वेरी गुड इवनिंग सरिता, 42। क्या होगा आंसर? ए बी डी जीनोम, है ना। ये एक हेक्साप्लॉइड है जिसमें ए ए बी बी डी डी जीनोम है, राइट। ये एक हेक्साप्लॉइड है जिसमें ए ए बी बी डी डी जीनोम है। ये ए जीनोम कहां से आया है? ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया है, ट्रिटिकम मोनोकोकम से आया है। बी इज अननोन, है ना, बी अननोन है। लेकिन कुछ लोग यहां पर ट्रिटिकम स्पेल्टॉइड्स भी लिखते हैं, है ना, स्पेल्टॉइड से हमें बी मिला है। और डी जीनोम आपको किससे मिला है? टाउश्की, टाउश्की से आपको डी जीनोम मिला है। तो इनके सोर्सेज भी पूछ ले जाते हैं, ए जीनोम किससे मिला है, बी जीनोम किससे मिला है, या सी जीनोम, डी जीनोम किससे मिला है। ठीक है, तो सी नहीं होता है, ए बी डी जीनोम अपने रेप्लिकेट्स में प्रेजेंट है। तो आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये एक एलो हेक्साप्लॉइड है, है ना। इसीलिए वीट में हाइब्रिड्स बनाने काफी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 जीनोटाइप्स मिक्स हैं, है ना। तो एक नेचुरल हाइब्रिड की तरह ये परफॉर्म करता है। हेलो शकील, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो वेन मोजाइक डिजीज ऑफ ओकरा इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन।
येलो मोजेक डिजीज जो है आपकी भिंडी में, ये किस पैथोजन के कारण होती है? अल्टरनेरिया के कारण होती है, एबलमस्कस एस्कुलेंटा के कारण होती है, एग्रोबैक्टीरियम के कारण होती है, या एबलमोस्कस पर्सोनेटम के कारण होती है? येलो वेन मोजेक डिजीज ऑफ ओकरा इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? यहां पर क्या होगा हमारा आंसर? ये तो गलत आंसर है, ये तो गलत आंसर है। सही आंसर क्या है भाई? भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ ओकरा है ना, एबलमेस्कस एस्क्यूलेंटा। तो ये तो भिंडी का साइंटिफिक नेम है, किसी चीज का पैथोजन तो है ही नहीं, तो ये तो हमें पता है कि ये तो गलत है ना। सही आंसर क्या होगा इसको? येलो मोजेक वेन डिजीज जो है ये एक वायरस की वजह से होती है, जो कि यहाँ ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कोई और आ गया और क्वेश्चन कोई और आ गया है, कुछ मिस प्रिंटिंग है या कुछ दिक्कत है। तो ये येलो मोजेक डिजीज जो है येलो मोजेक वायरस की वजह से ही होती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज है जो यहाँ ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। ओकरा का साइंटिफिक नेम इसको आंसर में दिया हुआ है, विच इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, डेंजरस गैस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज, ओजोन लेयर के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन, इथेन, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड। डेंजरस गैस फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, क्या होगा आंसर? सीएफसी है ना, क्या होगा हमारा आंसर? सीएफसी। सीएफसी स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी स्टैंड्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, है ना। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, एक मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सबसे खतरनाक है ओजोन लेयर के लिए, जो कि आपके जो एसी आप गर्मियों में यूज करते हैं, फ्रिज रेफ्रिजरेटर आप गर्मियों में यूज करते हैं, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। The first antiseptic agent used was, पहला antiseptic agent कौन सा था? Mercury chloride था, carbolic acid था, alcohol था, या फिर hypo solution था? Very very good evening Viresh. हो रही है बच्चा आपकी FSO की क्लास? आज मैंने ही आपकी FSO की क्लास ली है, जिसमें food law revise करवाया है, 3 बजे डेली हो रही है एफएसओ की क्लास, 3 बजे हो रही है। द फर्स्ट एंटीसेप्टिक एजेंट यूज्ड वाज, पहला एंटीसेप्टिक एजेंट कौन सा था? मर्करी क्लोराइड था, कार्बोलिक एसिड था, एल्कोहल था, या हाइपो सोल्यूशन को यूज किया था? फर्स्ट एंटीसेप्टिक एजेंट, यस, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, शुभम इज ऑल सेट टू से राइट थिंग्स, सो बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फाउंडेशन सीड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड। बिल्कुल उर्मी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और बच्चों के भी काम आ जाएगा, है ना। वैसे जो अभी प्रेजेंटली है इन्हें तो सबको पता है, 11 बजे IBPS AFO की क्लास होती है, 11:30 बजे NABARD की क्लास होती है,
ठीक है, 12 बजे आपकी एमएससी की क्लासेस होती हैं, 12:30 बजे आपकी यूपी ट्रिपल एससी की क्लासेस होती हैं, ठीक है, 1 बजे क्रिबको, 1:30 बजे पंजाब एडीओ, 2 बजे आई डोंट थिंक कोई क्लास है सीधा, फिर 3 बजे आपकी जो है एफएसओ होती है, ठीक है, 3 के बाद 5 बजे हमारी आईसीएआर की क्लास होती है और 8 बजे रात को आकाश सर वाली क्लास होती है, ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, फाउंडेशन सीट कहाँ से बनता है, ब्रीडर सीट से बनता है ना, ब्रीडर सीट, सो ए विल बी द राइट आंसर। ओरल गैंग्रीन ड्यू टू लॉस ऑफ कैटलेज एंजाइम एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड, इस डिजीज की वजह से क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है, ए कैटलेशिया होता है, एम्प्लेक्सीफिकेशन होता है, या फिर ब्लूम सिंड्रोम होता है। ओरल गैंग्रीन ड्यू टू लॉस ऑफ कैटलेज एंजाइम, कैटलेज एंजाइम जो है उसकी कमी के कारण होता है ना, इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, एग्लूटिनेशन होता है, ए कैटलेज लेशिया होता है, एम्प्लेक्सीफिकेशन होता है, या ब्लूम सिंड्रोम होता है, क्या होगा हमारा आंसर, यस, सो बी विल बी द आंसर, है ना, कैटलेज एंजाइम है, कैटलेज एंजाइम क्या करेगा, ए कैटलेशिया करेगा, है ना, ए कैटलेशिया, सो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज, एक अकेले प्लांट से, एक सिंगल प्लांट से आपने कई सारे प्लांट्स बनाए हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड मेकिंग कहेंगे, पेन हाइब्रिड कहेंगे, क्लोन कहेंगे, या हेटेरोकैरियन कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, पेन हाइब्रिड, क्लोन, या फिर हेटेरोकैरियन, क्या कहते हैं हम इसको, सबको पता है क्लोन, है ना, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने बनाया है तो उसे हम क्लोन कहते हैं, क्लोन आर 100% सेम, ये एक दूसरे से 100% सेम होते हैं, इनको हम क्लोन्स कहते हैं। हेटेरोकैरियंस क्या होते हैं, जिनमें दो अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में, उसको हेटेरोकैरियन कहते हैं, राइट। चलिए, द बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज वॉज रिटन बाय, बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज किसके द्वारा लिखी गई है, मंडूकर के द्वारा लिखी गई है, बटलर के द्वारा लिखी गई है, बेजरनिक के द्वारा लिखी गई है, या प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, द बुक फंजाई एंड प्लांट डिजीज इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, पैथोलॉजी भी पढ़नी है भाई, यस, सो द आंसर इज ए, दामिनी इज राइट, है ना, मंडूकर के द्वारा ये किताब लिखी गई है, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। द सिचुएशन इन विच टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड अनब्लेंडेड इन द फिनोटाइप ऑफ द हेटरोजाइगस इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज, दो एलील्स हैं, दो एलील्स एक दूसरे के साथ जो है अनब्लेंडेड है, यानी कि ब्लेंड नहीं होती है और एक्सप्रेस करवाती है एक फिनोटाइप को, तो उसको आप क्या कहेंगे, को डोमिनेंस कहेंगे, ओवर डोमिनेंस कहेंगे, पार्शियल डोमिनेंस कहेंगे, या नो डोमिनेंस कहेंगे। सिचुएशन वेयर टू डिफरेंट एलील्स आर एक्सप्रेस्ड अनब्लेंडेड इन द फिनोटाइप ऑफ हेटरोजाइगस, जो भी हेटरोजाइगस होते हैं यानी कि जिनमें दोनों एलील प्रेजेंट होती है, कैपिटल एलील भी प्रेजेंट है और स्मॉल एलील भी प्रेजेंट है, वो होते हैं हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस में दोनों एलील्स अपने इफेक्ट दिखाते हैं विदाउट ब्लेंडिंग विद ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस क्यों आएगा, कोडोमिनेंस,
है ना। जैसे आपने गाय देखी है, सफेद रंग की गाय पे ब्लैक या ब्राउन कलर के कहीं कहीं स्पॉट्स होते हैं, या कुत्ते देखे होंगे ऐसे व्हाइट कलर का कुत्ता है और उस पर ब्लैक ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स होते हैं, ठीक है बच्चे। ये मॉडल टेस्ट पेपर प्लांट साइंसेस कहते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट जो प्लांट साइंस में आते हैं वो मिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो कोडोमिनेंस आपने फ्लावर्स में भी देखा होगा, फ्लावर में देखते हैं ना, एक पेटल पर्पल कलर की है, एक व्हाइट कलर की है, यानी कि दोनों एलील्स अपना इफेक्ट दिखा रही हैं और एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो रही हैं, ये कोडोमिनेंस होता है। सो ए विल बी द राइट आंसर, कोडोमिनेंस, ठीक है। लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इज नोन एज, आपके क्रोमोसोम का कोई पोर्शन, कोई सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे, हेटरोटिक सेगमेंट कहेंगे या फिर एडिशन कहेंगे। बनना पड़ता है शुभम। बिकॉज दिस वॉज अ मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज, तो मॉडल टेस्ट पेपर इज लाइक किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आपके जनरल एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पैथोलॉजी के भी मिलेंगे, बायोकेमिस्ट्री के भी मिलेंगे, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के भी मिलेंगे, यानी कि प्लांट साइंसेज में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं उन सबके क्वेश्चन हैं यहाँ, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है डिलीशन, ठीक है। डिलीशन, क्रोमोसोम्स में से कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है। अच्छा, हम डिलीशन को कैसे डायग्नोज करते हैं, सिंपली क्रोमोसोम की शेप जो है छोटी हो जाती है ना। ये आपका क्रोमोसोम है, अगर इसमें से इतना पोर्शन डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो आर्म है ये छोटा हो जाएगा। तो अगर हमें क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती दिखाई दे रही है, मतलब क्रोमोसोम्स में से कुछ डिलीट हुआ है पोर्शन, है ना, सो दैट विल बी डिलीशन। फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन इज, फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन क्या होता है, एपर्टाइजेशन होता है, टिंडलाइजेशन होता है, पास्चराइजेशन होता है या कोल्ड स्टेरलाइजेशन होता है। फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आईसीएआर प्लांट साइंसेस से तैयारी कर रहे हैं, कुछ तो रेगुलर स्टूडेंट है जिनको जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी है, दैट्स इट, है ना। और कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो आईसीआर के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे। यस, दिस इज टिंडलाइजेशन बी, ठीक है, टिंडलाइजेशन। तो इसमें आपका जो है फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि फ्रैक्शन वाइज किया जाता है, राइट। पास्चुराइजेशन क्या होता है, जो दूध का करते हैं, है ना, दूध में हम क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, यानी कि उसको बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं लेके जाते, बट इतने टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, उनके स्पोर्स हैं, तो वो मर जाए, है ना, उसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। द एडजेसेंट सेल ऑफ द सेम फंगस हाइफा ब्रॉट इनटू कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लूप्स इज नॉन एज, दो हाइफा हैं एडजेसेंट टू ईच अदर, वो लूप्स बनाकर एक दूसरे के पास आते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, अप्रेसोरियम कहते हैं, कई बार यहाँ पर उल्टा होता है ना तो पढ़ा नहीं जाता सामने स्क्रीन पर, कैप्सिड कहते हैं या क्लेस्टोथीकिया कहते हैं। दो हाइफा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लूप्स बनाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज क्लैंप कनेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डीएनए सिंथेसिस, वो इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट जिनको डीएनए सिंथेसिस के लिए, यानी कि वो डीएनए सिंथेसाइज कर पाए थे, लैबोरेटरी में डीएनए बना पाए थे, यानी इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, वो कौन थे, मैंडल, क्रिक, वेटसन और डॉक्टर हरविन खुराना। देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडियन कौन है ना, सो वेरी इजी टू डायग्नोस कि आंसर क्या होने वाला है, राइट। सो द आंसर हियर विल बी डी, है ना, हरगोबिंद खुराना, so D will be the right answer. Next,
Introduction of DNA into cells by exposing them for very brief period of high voltage electric pulses is thought to induce transient pores in the plasma membrane is called as. कई बार हम डायरेक्ट जो है डीएनए सेगमेंट को प्लांट के किसी भी सेल के अंदर जो है एंगल्फ करवाते हैं, यानी कि वो सेल उसको एक्सेप्ट कर लेता है. वो कैसे करता है कि हम हाई वोल्टेज पर उसको थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिसकी वजह से उसके मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, छेद क्रिएट हो जाते हैं, और वो डीएनए सेगमेंट वहां से अंदर चली जाती है. दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांजिशन. यस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रिक की वजह से उसमें पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं. सो ऑप्शन द राइट आंसर विल बी डी, विल बी द राइट ऑप्शन. The study of differences and similarities in genome structure and organization of different organism is called as. एक ऐसी study जहाँ हम genome के क्या similarities हैं और क्या differences हैं वो पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, comparative genetics कहते हैं, eugenics कहते हैं, euphonics कहते हैं, या फिर cryobiology कहते हैं, जहां पर दो जीनोम के बीच उनके डिफरेंसेस, उनके अंतर और उनकी सिमिलैरिटीज हम देखते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कंपैरेटिव जेनेटिक्स कहेंगे. ठीक है, कंपैरेटिव मतलब दो चीजों को कंपेयर करना, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, कंपेयर करके पता लगा पाएंगे. तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ए, कंपैरेटिव जीनोम्स. ठीक है, the protective sheath that covers the young shoot of embryo in plants of the family Gramineae is called as. Gramineae family में एक protective sheath होती है जो young shoot के ऊपर present होती है, जो उसको cover करती है या protect करती है. इसे क्या कहते हैं, endosperm, polyptyle, protoplast, coleorrhiza, है ना. ये आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जो शूट पोर्शन होता है या प्लूमोल पोर्शन होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है. ठीक है, तो इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, प्रोटोप्लास्ट या कोलियोराइजिया. क्या होगा आंसर, कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल जो प्लूमोल के ऊपर होता है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल या रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे कोलियोराइजिया कहते हैं. कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजिया सिर्फ मोनोकोट्स में प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ शुभम इज आस्किंग व्हाट इज यूजेनिक. यूजेनिक का होता है सुपीरियर ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने, बेसिकली. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को अपनी पॉपुलेशन में इम्प्रूव करना चाहती हूँ, तो मैं उसी ट्रेट से रिलेटेड पेरेंट्स को चूज करूंगी और उनमें उसी तरीके की क्रॉसिंग्स करवाऊंगी ताकि मेरा वो ट्रेट इम्प्रूव हो सके, है ना. इफ आई वॉन्ट अ लॉन्ग चाइल्ड तो क्या होंगे, पेरेंट्स जो मदर है फादर है दोनों में लंबे चूज करूंगी, तभी बच्चे के लंबे होने के चांसेस ज्यादा होंगे. उसमें भी जितने बच्चे हैं, जितने भी ड्वार्फ हैं, उनको हमने रिजेक्ट कर देना है, जो सिर्फ लंबे हैं उन्हीं को क्रॉस करवाना है ताकि एक पर्टिकुलर ट्रेट को हम इम्प्रूव कर सके, है ना. दिस इज कॉल्ड यूजेनिक्स, इसको हम यूजेनिक्स कहते हैं. चलिए, ऑल बैक्टीरिया हैविंग अ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड विल हैव, जिन बैक्टीरिया के पास कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है उनके पास ड्रग रेजिस्टेंस होता है, फ्लैजिला होता है, सेक्स पिलाए होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव. जी स्वदीत, क्रिबकुल के लिए आपकी 1 बजे क्लास होती है, एट 1 PM. ड्रग रेजिस्टेंस, फ्लैजिला, सेक्स पिलाए, ऑल ऑफ दीज. तो जिन बैक्टीरिया में कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है उनमें सेक्स पिलाई देखने को मिलती है. ठीक है, सो सी विल बी द आंसर.
बच्चे, मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती मनीष, पर जितना मैंने इसके बारे में सर्च किया है, द पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ डिजीज अकर्स पीरियोडिकली इन अ वाइड स्प्रेड एरिया काउजिंग डिवास्टेटिंग डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स, इट इज नोन एज। एक डिजीज पीरियोडिकली आती है एक एरिया में और उसमें काफी सारा डैमेज करती है, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक डिजीज कहेंगे, स्पोरोडिक डिजीज कहेंगे, एंडेमिक डिजीज कहेंगे या पेंडेमिक डिजीज कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। कोविड को एपिडेमिक नहीं कहा जाता, पेंडेमिक कहा जाता है ना? ऐसा क्यों? ठीक है, सो द आंसर हियर विल बी, एपिडेमिक का मतलब होता है एक वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में जो है डैमेज करना है ना, और बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड पेन सॉरी एपिडेमिक है ना। सिर्फ एक कन्फाइंड एरिया में वो डिजीज है और कहीं नहीं है, वो होती है एंडेमिक। ठीक है, और पेंडेमिक क्या होता है? पैंडामिक होता है एरिया तो ज्यादा कवर कर रही है लेकिन उसकी वजह से नुकसान इतना ज्यादा नहीं है जितना एरिया कवर कर रही है। एरिया ज्यादा है, नुकसान उसके हिसाब से देखा जाए तो कम है, तो उसे पैंडामिक कहते हैं। ठीक है, तो कोविड जो है पैंडामिक डिजीज थी, एपिडेमिक डिजीज नहीं थी। लेकिन यहां पर है सीरियस डिवास्टेटिंग डैमेज करती है वाइड स्प्रेड एरिया में, ज्यादा एरिया में, तो इसको हम एपिडेमिक कहेंगे। ए विल बी द राइट आंसर। डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी इज डिजीज विच इज कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आता होगा है ना। मोजेक, केरा डिजीज, डाईबैक डिजीज, विपटेल डिजीज। जी सुजीत, देखो भाई मेरा अनुमान ये है कि 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन लाइक 100% श्योरिटी के साथ तो मैं भी नहीं कह सकती है ना। क्रिप्को में जो चेयरपर्सन है वो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं। जी, आंसर है यहाँ पर खेरा डिजीज, बी। ठीक है, ये तो मोस्ट पेट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। रेडिकल इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवर कॉल्ड एज, ये तो मैं बता चुकी हूं वैसे है ना। रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? कोलियोराइजिया, कोलियोराइजिया। ठीक है, देखो राइजिया मींस रूट्स, राइजिया मींस रूट्स, तो रूट्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम कोलियोराइजिया कहते हैं, जो कि रेडिकल होती है। प्लूम्यूल या फिर शूट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा हमारा डी, कोलियोराइजिया। नेक्स्ट, एन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड सीरम स्पेसिफिक टू एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज। एक एंटीबॉडी है जो आपके ब्लड सीरम में प्रेजेंट है, जो ऐसे एंटीजन के स्पेसिफिक है जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिन कहते हैं, राइबोसिन कहते हैं, डीएनएज कहते हैं या आरएनएज कहते हैं? सुजीत, मुझे लगता है कि मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा या फिर अप्रैल में होगा, तो बहुत बिल्कुल एंड में होगा। एन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड सीरम स्पेसिफिक टू एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज। इस एंटीबॉडी को आप क्या कहेंगे? एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन, जो क्या करवाती है? एग्लूटिनेशन कराती है ना, एग्लूटिनेशन कराती है। डीएनए इज फॉर डाइजेस्टिंग डीएनए, डीएनए क्या काम करता है? डीएनए को डाइजेस्ट करता है। आरएनए इज आरएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड एज। वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनके बीच में लिंक कौन बनाता है? एम्फियोक्सस बनाते हैं, रेप्टाइल्स बनाते हैं, एम्फीबियंस बनाते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखो ये क्वेश्चन
बेसिकली किसी सब्जेक्ट से नहीं है अगर हम वैसे देखें, है ना, ना जेनेटिक से है, ना प्लांट ब्रीडिंग से है, ना पैथोलॉजी से है, और ना जनरल एग्रीकल्चर में फॉल करता है, लेकिन जनरल नॉलेज में फॉल कर जाता है क्योंकि आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप अपने एग्जाम्स में देखेंगे, राइट। द लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इज एम्फियोक्सिस, ठीक है, एम्फियोक्सिस ए। The bacteria cell divides many mainly by a process where a single nuclear division followed by a division of cytoplasm to perform two daughter cells of equal size is called as। एक बैक्टीरिया दो डॉटर सेल्स बनाते हैं जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और दो इक्वल साइज के न्यूक्लियर सेल्स बनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, या फिर ट्रांसडक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्टिव मैथड क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो बेसिकली सेल टूट रहा है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये दो सेल आपस में जुड़कर फ्यूज होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो बाइनरी फ्यूजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। फ्यूजन मतलब टूटना, यानी कि रिप्रोड्यूस करना, एक सेल से दो सेल में बनना। दो सेल जब कंबाइंड होते हैं तो फ्यूजन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज होना, राइट। तो यहां पर आंसर आएगा हमारा बी। चलो, द कंडीशन दैट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज। आपको खुशबू ही आनी बंद हो जाए, सेंसेशन ऑफ स्मेल ही बंद हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, गिडीनेस, एमनेशिया, एनोस्मिया या एनेमिया, क्या कहेंगे। द कंडीशन दैट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एज, खुशबू ही आनी बंद हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एनोस्मिया। एनेमिया क्या होती है, खून की कमी, ठीक है, स्मेल ना आए तो इसका होता है एनोस्मिया। चलिए अगले चलते हैं। जी स्वजीत, वेरी वेरी धन्यवाद। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस इज कैरिड आउट बाय। सेल टू सेल कम्युनिकेशन लेग्यूम में जो होता है, राइजोबियम सिम्बायोसिस में, ये किसके द्वारा होता है, लैक्टिन्स के द्वारा होता है, फ्लेविनोइड्स के द्वारा होता है, आइसोफ्लेविनोइड्स के द्वारा होता है, या हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। वट विल बी द राइट आंसर। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस इज कैरिड आउट बाय, क्या होगा हमारा आंसर। लेक्टिन्स, ठीक है, लेक्टिन्स, आइसोफ्लेविनोइड्स, बी फ्लेविनोइड्स। यस, सो ए यहां पर गलत जवाब है, राइट, ए आपका गलत जवाब है, सी जो है आपका सही जवाब होगा यहां पर, ठीक है, आइसोफ्लेविनोइड्स, आइसोफ्लेविनोइड्स। डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स बाय अदर देन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। डिजीज कॉज्ड इन प्लांट बाय अदर देन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इस प्लांट में डिजीज नहीं करवाई है, तो उस डिजीज को आप क्या कहेंगे, बायोटिक डिजीज कहेंगे, ए बायोटिक डिजीज कहेंगे, एपिफाइटोटिक डिजीज कहेंगे, या एंडेमिक डिजीज कहेंगे। वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, फंजाई से कोई डिजीज हो रही है, सब लिविंग बींग्स हैं। इनके अलावा जैसे कि खेरा डिजीज है, वो जिंक की डेफिशिएंसी से हो रही है, वो किसी बायोटिक फैक्टर से नहीं हो रही है, तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिजीज को हम एबायोटिक डिजीज कहते हैं, जो किसी लिविंग बींग से नहीं होती है, राइट। सो सी विल बी द राइट आंसर। A short chemical synthesized DNA double strands which can be used to link the ends of the two DNA molecules having different sequences at their ends when used in conjugation with linkers are called as। Ek short DNA ki segment jiske blunt ends hain, sticky ends nahi hain,
तो इसके एंड स्टिकी बनाने के लिए आप किन का यूज करते हैं? एडेप्टर्स का, ट्रांसमीटर्स का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, या डीएनए कटर का? तो इसमें देखिए आप दो चीज जोड़ सकते हैं। अगर आपके ब्लंट एंड्स हैं, ये आपके डीएनए स्ट्रैंड है, इसका ब्लंट एंड है ना, तो या तो आप इसमें लिंकर्स जोड़ सकते हैं। लिंकर्स क्या होते हैं? यहाँ पर आपने लिंकर जोड़ा, यहाँ पे आपने लिंकर जोड़ा। इस लिंकर में कोई ना कोई रिकॉग्निशन साइट होती है जहां से एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है और फिर ये आपका इस तरीके से स्टिकी एंड्स बना देता है। ये होते हैं लिंकर्स। एडेप्टर्स क्या होते हैं? ये अगेन ब्लंट एंडेड आपका डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पर एडेप्टर्स एड ही ऐसे होते हैं, ठीक है, एडेप्टर्स ऐसे ही एड होते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये जो आपके सीक्वेंसेस हैं यहां पर और यहां पर, ये क्या है? सिंगल सीक्वेंसेस हैं। तो ये आपके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड्स बनाने के लिए आप लिंकर्स या एडेप्टर्स का यूज करते हैं। लिंकर्स में एक आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस होता है जो फिर से हमें एक एंडो एंजाइम से कट लगवाना पड़ता है, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से, लेकिन एडेप्टर्स में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हम सीक्वेंस इसी तरीके की ऐड करते हैं कि वो स्टिकी एंड डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है, कोई कट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। सनफ्लावर क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर प्लांट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ। सनफ्लावर प्लांट को किस न्यूट्रिएंट का इंडिकेटर प्लांट माना जाता है? जिंक, बोरॉन, पोटाश और कॉपर। सनफ्लावर क्रॉप इज एन इंडिकेटर फॉर विच न्यूट्रिएंट? जिंक, बोरॉन, पोटाश, कॉपर। द राइट आंसर हियर विल बी बी, बोरॉन, ठीक है, बी बोरॉन। और इसी के साथ यहां पर हम अपनी क्लास को पूर्ण विराम नहीं देंगे, ओनली विराम देंगे, ठीक है। पूर्ण विराम का तो मतलब है आगे आएंगे ही नहीं, बट हम तो आगे आएंगे, राइट। सो दिस इज योर आईसीआर जीआरएफ बैच। इफ यू वांट टू जॉइन द बैच, यू कैन जॉइन द बैच विद द कोड Y448A टू एनरोल इन द बैच एंड गेट मैक्सिमम ऑफ दैट इज अवेलेबल। और साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर एमएससी प्लान कर रहे हैं, जैसे सीयूईटी का एग्जाम देना है या यूपी कैटेट का एग्जाम देना है या कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है जिसमें एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप एग्रीकल्चर के एमएससी बैच फाउंडेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एनरोल इन दीज कोर्सेज एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, राइट। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं आपको बैचेस शो करती हूँ आपके अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, बट ये बैचेस आप देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पर भी, जो कि चैट आपका जो है लिंक में, आपका लिंक जो है चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, राइट। वहां पर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे हमने यहाँ अड्डा 24/7 लिखा, ये आपकी साइट फर्स्ट है, वो खुल जाएगी, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, एग्रीकल्चर को चुनेंगे, अगर आप आईसीआर जेआरएफ कर रहे हैं इसको चुनेंगे, एमएससी प्लान कर रहे अदर देन आईसीआर जेआरएफ तो एमएससी को चुनेंगे, ठीक है। ये आपने बैच चुना, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाती है और ये 3000 का कोर्स है। लेकिन जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और Y448A का इस्तेमाल करेंगे तो ये 3000 का कोर्स 2399 का हो जाएगा, ठीक है। तो Y448A का इस्तेमाल करें। जब एप्लीकेशन से करेंगे तो इसका जो प्राइस है थोड़ा और 100-200 कम हो जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो लिंक गिवन है इससे, और फिर उसमें एनरोल करना है जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।